बिहार के जहानाबाद में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान गुरुवार को दो गुटों के बीच हुए उपद्रव के बाद शनिवार को स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला है। शहर में हालांकि तनाव का माहौल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। अब तक दोनों पक्षों की ओर से 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। दरअसल गुरुवार सुबह देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति तोड़े जाने के बाद शहर में तनाव फैल गया था। पंचमोहल्ला स्थित कच्ची मस्जिद के पास असामाजिक तत्वों ने ईंट पत्थर मारकर मूर्ति तोड़ दी थी। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस विवाद में 10 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी गई और मारपीट में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। न्यूज आप सब से पूजा के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों से सावधान रहने और भाईचारा और शांति कायम रखने की अपील करता है। न्यूज डेस्क।